इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के जननायक और हमेशा मध्य प्रदेश की जनता के दुख सुख के साथी, मध्य प्रदेश को ऊंचाइयां देने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहां विराजमान है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं दोनों हाथ उठाकर स्वागत कीजिए, वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राजू बाथम जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय नरेंद्र ब्रथरे जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश राठखेड़ा जी, पूर्व विधायक आदरणीय प्रहलाद भारती जी, पूर्व विधायक आदरणीय लाखन सिंह बघेल जी, आदरणीय प्रद्युम्न वर्मा जी, आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी, आदरणीय हमारे रणवीर रावत जी और सम्मानी मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। क्योंकि चुनाव का समय है और समय की बात का है, मुख्यमंत्री जी को और भी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना है। मेरी आप सबसे इस अवसर पर ये प्रार्थना है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश के लिए जो काम किया है, हमारे प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के वजह से हर समाज में योजना पहुंची है और किसान के घर में खुशहाली पहुंचाने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है कि मैं भी किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं और आप सबके बीच में ये चुनाव के भी पहले मैं कई बार आप सबके बीच में आया हूं और आप सबका आशीर्वाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले और आप सबका आशीर्वाद मुझे भी मिले। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं और इस अवसर पर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आपके काम के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं ईमानदारी के साथ आप सबका काम करूंगा। आप सबको ये अनुरोध करने के लिए हम आए। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मैं मंच पर सीधे सीधे माने हमारे मुख्यमंत्री जी को बुलाने से पहले आप सबको ये अनुरोध करूंगा कि वो जैसे ही माइक पर आए वैसे ही आपकी तालियों के साथ गड़गड़ाहट सुनाई पड़े। ऐसे आदरणीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता के हृदय के सम्राट आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूंगा, तो हम सबको मानव प्रश्न कर हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की। बहुत देर से आप बैठे हैं और मैं देख रहा हूं कि भाइयों से ज्यादा मेरी बहनें बैठी हैं, इतनी गर्मी में बैठी हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, याद तो बहुत दिन से आ रही थी आपको, भी मेरी याद थी कि नहीं? अरे आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और इसलिए जब आप लोगों ने कहा, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हो या भारत जी हो, कि लोग आपको याद कर रहे हैं, बहने भी याद कर रही हैं, तो बहनों तुमने पुकारा और भाई चला आया। आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ लोकसभा के हमारे प्रत्याशी करवट देता कई वर्षों से मेरा साथ है और मंत्रिमंडल में मेरे साथ जब मैं मुख्यमंत्री था तब थे और हर काम जो मैंने सौंपा पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रदेश के विकास के लिए भाई भारत सिंह कुशवाहा जी ने किया, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे सुरेश जी, प्रहलाद जी, हरिसिंह जी, पृथ्वीराज जी, अब समय क्योंकि कम है, रणवीर जी, क्योंकि समय कम है मुझे अभी यहां से जाना है विजयपुर, वहां से जाना है सबलगढ़, वहां से जाना है जोरा, फिर ग्वालियर, तो संबोधन का समय लगेगा, आप क्षमा करना। बैजंती दीदी भी बैठी है, सबको प्रणाम आपको, मेरी बहनों, भाइयों और बेटे बेटे। मेरी बहनों, महिला सशक्तिकरण मतलब बहनों की भलाई जिंदगी का मेरी मिशन है। और आपको याद होगा एक चुनाव हुआ था गुना जिले में, मुंगावली और गोलारस का, तब एक योजना मेरे दिमाग में आई थी और वो योजना पहले मैंने सहरिया बहनों के लिए शुरू की,
थी, सहरिया बेगा और भालिया, कि हर महीने हमारी बहनों के खाते में हम पैसा डालेंगे। योजना भाव से शुरू हुई थी और आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं कह यार बहनों में क्या भेद करना, बहने बहने तो एक है। और इसके बाद में सभी बहनों के लिए बनाई लाडली बहना योजना और तय कर दिया कि हर महीने बहनों के खाते में पैसा आना। मैं जानता हूं समाज ने कई बार स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव किया, बेटी के जन्म को उतनी खुशी नहीं होती थी जितना बेटे के जन्म को होती थी। और एकदम मुझे लगा कि बेटी बोझ सो रही है, तो बेटी को भी तो जीने का हक और अधिकार है, औरत को भी, स्त्री को भी, बहन को भी जीने का हक और अधिकार है। भगवान ने उसके लिए भी तो धरती बनाई है, पानी और हवा भगवान ने उसके लिए भी बनाया है, तो बताओ उसको भी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बहनों तुम बोल के बताओ, औरत जात को भी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, इसलिए बेटियों की शादी की योजना, और अब तो एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी ने ही बना दी है। अभी तुम्हें मंच में देख रहे हो के लिए बेचती दीदी बैठी है, ये ध्यान रखना अब मातृशक्ति बंधन अधिनियम पास हो गया है, अगली बार आधे नीचे बैठोगे आधे में कम से कम महिलाएं बैठेंगी। बहनों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और लाडली बहनों पैसा बंद नहीं होंगे, योजना लगातार जारी रहेगी, मोहन जी भी इस योजना को जारी रखेंगे क्योंकि बहनों के कल्याण की योजना। आप बताओ मेरी बहन ईमानदारी से, तुम्हारा अपना खाता होना चाहिए कि नहीं बैंक में? जोर से बोलो ना, होना चाहिए। हर महीने पैसे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्योंकि पैसा सम्मान भी देता है और पैसा समस्याओं का समाधान भी करता है। और अब एक बात और सुनो, जब मैंने ये लाडली बहना बनाई तो कई लोग कहते थे कैसे कैसे कह रहे हैं, चुनाव हो गए इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो कहा वो किया। अब लाडली बहना केवल नहीं, आगे लखपति बहना बनाना है, लखपति बहना। आज इस मंच का अपने नेतृत्व के बीच में मैं कह रहा हूं, सफर यहां रुकेगा नहीं। लखपति बहना का मतलब है हर बहन की आमदनी साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा कम से कम होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं, बोल के बताओ आज होना चाहिए कि नहीं। क्या बहनों को गरीब रहना चाहिए? क्या जिंदगी भर आंसू बहाना चाहिए? क्या सास ले जा तो मां के गले लग के लिपट के रोना चाहिए? नहीं, हम भी अब आगे बढ़ेंगे और तुम्हारा भाई जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करेगा। भोपाल में रहे तो भी किया, हमारा दिल्ली जाएगा, चिंता इनका मत करना। तो दिल्ली भी खाली दिल्ली नहीं जाएगा, वहां भी बहुत काम करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं। अब इस अभियान में हम लोग मेरे बहनों भाई राजनीति का सरकार का विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए, मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, उससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती। आप कांग्रेस और बीजेपी के अंतर को देखो, यही आप देखिए कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, विकास के लिए क्या किया, सिंचाई के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया। याद करो जब उनकी सरकारें थी 18% ब्याज पे कर्जा देता था, उसको 0% करने का भी चमत्कार मैंने किया बीजेपी की सरकार। वो सारे काम गिनाने का आज वक्त नहीं है, समय इजाजत नहीं देता, लेकिन 6,000 अगर पीएम साहब ने किए तो मेरे दिल्ली में काम मच चुको चौहान 6,000 तुम भी दो 12,000 रुपया किसान। बेटा बेटियों के लिए लैपटॉप हो, साइकिल हो, स्कूटी हो, फीस भराने का मामला, कल्याण के काम कौन करता? मेरी मेरी बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने फ्री में राशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पता कांग्रेस ने दिया था फ्री में राशन, बोल के बता दिया था कभी? जो किया केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए आज मैं कहने आया हूं कांग्रेस अब कहीं की नहीं रही, दिल्ली में भी नहीं है कांग्रेस न आने वाली, और भोपाल में कांग्रेस के लोग बिल्कुल फूल के पहले की विधानसभा में गड़गड़ जो रहे थे, आ गई सरकार,
गया मामा आगी सरकार कहीं ने तो सूट से ला लिए थे सफर के लिए, हमारी सरकार आ रही है। लेकिन तब भी मैंने कहा था, हमारे भी लोग हिल गए थे, नहीं गड़बड़ है। मैंने कहा मामा अभी जिंदा है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सरकार बीजेपी की है। हम धूमधाम से क्योंकि जनता के लिए काम किया। अब कांग्रेस कहीं नहीं है, उनके पास तो हालत ये है कि उनके जो सर्वोच्च नेता उनके जीतने का ठिकाना नहीं है। गलत फैसलों के कारण कांग्रेस की हालत बिगड़ गई। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, सब तो खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलो ना, इधर वालों को भी खुशी हुई, पूरा देश आनंद, सब प्रसन्न थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर बनता है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब खुश थे। बहनों ने दीपक जलाए, रंगोली बनाई, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं लहराई, पूरा देश खुश था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम उसका जोर से बताओ, एक पार्टी थी जो रो रही थी, कहा बन गया, कैसे बन गया। और निमंत्रण दिया, निमंत्रण बाकायदा कागज पे छपा हुआ निमंत्रण, आप आइए राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। बताओ कांग्रेस को जाना चाहिए था कहने, जोर से बोलो। लेकिन उन्हें इनकार किया, नहीं जाएंगे, बहाने बनाए, मुहूर्त नहीं है बोले, मुहूर्त मोदी जी वैसे कर रहे हैं। अरे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है, जिन्हें सृष्टि बनाई उनका मुहूर्त पूछ रहे थे। अरे मुहूर्त कांग्रेस का जरूर खराब था, कांग्रेस की कुंडली में राहु के भी दो ही बैठ गए, ये सही है, इसलिए खोपड़ी उल्टी हो गई, बुद्धि पे मंथरा बैठ गई, बुद्धि फिर भी मना कर दिया। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मती पहले हर नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे क्या बिगड़ जाता, जाते शाम से बैठते, 100 बार मोदी जी को दिखाते मीडिया वाले, तो 2-5 बार तुम्हें भी दिखा देते, बोल नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड कागज पे लिख के मना करते। अब जब तक धरती सूरज और चंद्रमा रहेंगे, ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है। कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता। और एक और चेतावनी दे रहा, मंचपाल भी समझ लेना, बड़े खतरनाक इरादे हैं कांग्रेस। अभी अभी उन्होंने एक बात कही, सैम पित्रोदा साहब, ये राजीव गांधी के सलाहकार और ये राहुल गांधी के गुरु, वो कह रहे हैं कि विरासत कर लगना चाहिए, विरासत टैक्स। ये विरासत टैक्स क्या है? माता पिता अपना पेट काट काट के पैसा थोड़ा बहुत जोड़ते हैं गरीब से गरीब, और कहते हैं मरते समय बहू को देंगे, बेटा को देंगे, बेटी को देंगे, कुछ ना कुछ तो बचा के रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? रखते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, मर गए तो जितनी संपत्ति है 55% सरकार अपने खजाने में जब्त कर लेगी उसको, 55%। बताओ ये होना चाहिए क्या? सावधान रहना दादाओं, कांग्रेस के इरादे खतरनाक है। 55% ले लो सरकार के खजाने में और 45% जाएगी बारिश में। पता नहीं कहां कहां से बुद्धि कांग्रेस को देती है। भारत है यार, अमेरिका थोड़ी है, ये भारत है, गरीब से गरीब आदमी जोड़ के रखता है अपन। ऐसी कांग्रेस को जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, जिताने का कोई फायदा है क्या? अरे कोई फायदा है क्या? अच्छा भाजपा के प्रधानमंत्री तो तय है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, हमने तो डंके की चोट कह दिया। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन, आप बताओ जब वोट देते हो, मटका भी अगर खरीद के बाजार में जाते हो तो ठोंक बजा के देखते हो कि नहीं, कहीं टन टन बज रहा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फूटा टूटा हो। तो प्रधानमंत्री बनाते समय देखना चाहिए देश किसके हाथों में देना है, सोचना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पे मोदी है, खड़े सिक्के, जांचा परखा खड़ा, तुम्हारा पीएम को ने बता दो, धन्नू होगा कि बन्ना होगा, लल्लू होगा कि बन्ना होगा, कल्ला होगा कि जुम्मन होगा, कोई तो बताओ, ऐसे वोट दोगे क्या? पता ही नहीं है कौन होगा, अंधेरे में डालोगे क्या? और इसलिए आज कहने आया हूं, कोई भी दृष्टि से सोच
कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु और बड़े काम होने, और इसलिए एकजुट होकर हम सब भारतीय जनता पार्टी को जिताए ये निवेदन करने आया हूं। मैं भी अब दिल्ली जा रहा हूं और हाँ जा रहा हूं, उसमें क्या टीका धूमधाम से जीतूंगा उसमें। अच्छा सोनिया गांधी तो लड़ेगी नहीं, राहुल गांधी क्षेत्र बदल लेते हैं, मामा तो जहां नरागढ़ा अभी से लड़ रहा है, धूमधाम से जीतूंगा उसमें क्या फिर जीत गए। और दिल्ली में खाली दिल्ली नहीं बैठूंगा, ईमान लेना भाई, बैठ के तुम्हारी बेहतर से बेहतर सेवा करूंगा। और भारत सिंह कुशवाहा मेरे साथ जा रहे हैं, ये छोटे भाई की तरह है, भारत अकेले नहीं रहेंगे, पीएम का आशीर्वाद रहेगा, मामा भी पीछे खड़ा रहेगा। और इनके बिहार के विकास के लिए जो सौगातें कहोगे दिल्ली वाली हम लेके आएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, मामा पर विश्वास है ना, अरे सबको है। तो मेरे तरह ही आप मानो भारत सिंह कुशवाहा को आपका पूरा प्यार और आशीर्वाद दो, आपका पूरा समर्थन दो, और गर्मी में वोट डालने से डर तो नहीं जाओगे, वोट कम मत कर देना दादा हो, बहने भी नहीं डरेंगी, सबका सपोर्ट डालोगे, कमल के फूल के बटन दबाओ, भारत सिंह जी को जिताओ। मैं और भारत एक है, और आज मुझे कहने में भी संकोच नहीं, भारत को टिकट दिलाने में मेरा भी बहुत योगदान है, और इसलिए आपका प्यार और आशीर्वाद भारत सिंह को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मां को भी ताकत दो यार, धूमधाम से जीतेंगे तो मैं भी कहूंगा, बोलो सब तैयार हो, आइए आज बैराग में हम संकल्प लेंगे कि एक एक वोट भारत सिंह कुशवाहा को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और भारत माता के लिए बोल के भारत सिंह को, भाजपा को, मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया। बोलिए भारत माता की।